घने कोहरे का कहर आज फिर यमुनानगर में देखने को मिला। घने कोहरे में स्कूल और बस की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अगले हिस्से के पर कच्चे उड़ गए। इस हादसे में 22 बच्चे और बस में सवार महिला केयर टेकर घायल हुई है। गनीमत की बात यह है कि किसी को भी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है। जानकारी के अनुसार सडोरा से कालेआम रोड पर ईदगाह के नजदीक आज सुबह जानकी जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल मारवा कला की स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। घायल बच्चों को उपचार के लिए CSC में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं लगी है। बच्चे के परिजनों ने स्कूल में गंभीर आरोप लगाए हैं और रोष व्यक्त किया है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल बस के चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। वह तेज गति से चल रहा था और कोहरे में भारी वाहनों को ओवरटेक कर रहा था, जिस कारण बस सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। थाना सडोरा पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, तो वहीं घायल बच्चों का इलाज CSC में चल रहा है। कैसे? सर, ड्राइवर ने वहाँ पे मारी है ट्रक में। कौन सा स्कूल है? जानकी जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल। सुबह कहाँ से चली थी बस? सर, महमदपुर। महमदपुर से। तो चोट लगी है? ज्यादा तो नहीं लगी। और कितने बच्चे थे तुम? बहुत थे सर, अपनी साइड में था सर। अच्छा, मारे वाला ड्राइवर ओवरटेक करा था बस। और बच्चों को भी चोट लगी? धुंध कोहरा बहुत था। यस सर। सर, एक घंटा हो चुका है एक्सीडेंट को हुए, अब तक भी स्कूल से कोई भी ये है सडोरा, इस पे बिलासपुर रोड पे, ये माँ जगदम्बे पेट्रोल पंप के आसपास से यहाँ पे हुआ है। बस के एक्सीडेंट हुआ जी? जी जी। गलती किसकी थी? कुछ पता? गाड़ी का कुछ नहीं पता है, गाड़ी दोनों बीच में ही है। कितने के बच्चों को चोट लगी? काफ़ी बच्चों को चोट लगी हुई है सर। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।